नमस्कार चित्रा गुरु होममेड फूड में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे, आपका घर में मेहमान अचानक आ गए हैं तो चाय के साथ में आप सोचते हैं कुछ स्नैक्स देवे खाने के लिए, तो स्नैक्स में हम सोचते हैं क्या बनाए क्या नहीं बनाए। तो आपका घर में समझो चिकन है, क्या उन्होंने जो मेहमान आते हैं उनको चिकन पसंद आता है, तो आप फटाफट स्नैक्स के हिसाब से चिकन का भी बना सकते हो, फटाफट बनते हैं। तो चिकन का स्नैक्स में हम आज बना के आपको दिखाऊंगी, वो है चिकन पकोड़ा, कैसा फटाफट बन जाता है। तो आइए देख लेते हैं पकोड़ा कैसा बनते हैं। हमने चिकन पकोड़ा बनाने के लिए बोनलेस चिकन लिया है, तो ये अच्छे से धो के साफ करके हमने ले लिया है। और हमने लिया है 300 ग्राम चिकन लिया है बोनलेस। तो इसे जो इंग्रेडिएंट्स लगेगा वो देखिए, ये है लहसुन, लहसुन खूब सारा लिया है हमने, और ये हरी मिर्ची लिया है 5-6, और हरी धनिया, इसका एक हम पेस्ट बना लेते हैं मिक्सर। हरी मिर्ची तोड़ के डाल देते हैं मिक्सर के अंदर, और ढेर सारे लहसुन ये भी डाल देते हैं, और ये जो हरी धनिया ये भी हम डाल देते हैं। ये डाल के इसका पूरा पेस्ट नहीं बनाना है, तो दरदरा पीसना है। तो ये हमने दरदरा करके पीस के ले लिया है, ये हम डाल देते हैं चिकन के अंदर, ये हम पूरा डाल देते हैं। तो ये कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, ये हमने आधा चम्मच से भी कम हमने लिया है, ये डाल दिए हैं। और हमने हल्दी पाउडर ये भी हमने डाल दिया है, ये हमने आधा टेबल चम्मच डाल दिए हैं। और हमें लगेगा ये काली मिरी पाउडर, ये हमने आधा टेबल चम्मच ये भी हमने डाल दिए हैं। और हमें लगेगा दही, तो हमने 2 चम्मच दही डालेंगे, 1 चम्मच तो डाल दिए हैं, तो हमने ये 2 चम्मच डाल दिए हैं दही। और हमें लगेगा ये लेमन, तो लेमन का जूस भी हम डाल देते हैं इसके अंदर निचोड़ के, ये हम पूरे डाल दिए हैं। और हमें लगेगा ये ऑनियन चॉप, ये ऑनियन को चॉप करके लिया है, ये भी हम डाल देते हैं इसके अंदर। और हमें लगेगा ये राइस फ्लोर लिया है हमने, और बेसन लिया है, ये हम 2-3 चम्मच पहले डाल देते हैं, तो हम मिक्स करेंगे जो हिसाब से लगेगा वो हिसाब से हम डालेंगे। ये भी हम डाल दिए हैं, तो ये बेसन ये भी हमने डाल दिया है 3-4 चम्मच, और लगेगा तो हम बाद में डालेंगे। और हमें लगेगा ये रेड चिल्ली पाउडर, ये हमने 1 छोटे चम्मच का 1 चम्मच डाला है, और भी 1/2 चम्मच हम डाल दिए हैं। और हमें लगेगा स्वाद अनुसार सॉल्ट, ये भी हम डाल देते हैं, तो ये हम डाल दिए हैं सारा सामग्री। अब हम हाथों के मदद से मिक्स करना है हमें, ये हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो जैसा मिक्स करेंगे हमें लगेगा जो और बेसन चाहिए क्या राइस फ्लोर चाहिए, तो हम वो हिसाब से डालेंगे, क्योंकि इसे पतला नहीं करना है, इसे कड़क ही रखना है, एकदम ज़्यादा कड़क भी नहीं, मीडियम में जैसा पकौड़ा बनते हैं वो हिसाब से हमें बनाना है। तो ये मैरिनेशन करके हम रख देंगे 1 घंटे के लिए, तो उसके बाद हम फ्राई करेंगे। तो पहले हम मैरिनेशन कर लेते हैं, तो चिकन मैरिनेशन करके हमें 1 घंटा हो गया है, अब हम फ्राई करने जा रहे हैं। देखिए फ्राई करने से पहले थोड़ा ऐसा मिला लेना है, तो चलिए हम फ्राई करके लेते हैं। गैस पे भी हम कढ़ाई चढ़ा दिया है गरम करने, तेल रख दिया है, तो
तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम छोटा छोटा करके हमेशा छोड़ देते हैं चिकन का पीसेस, ऐसा ज़्यादा बड़ा नहीं छोड़ना, छोटा छोटा ही छोड़ना है हमें। और गैस का फ्लेम एकदम मीडियम रखना है, ज़्यादा फास्ट नहीं रखना है, तभी अंदर से अच्छे से पकेगा। जितना आएगा उतना छोड़ देना है हमें। तो ये हम इतना ही हम डाल दिया है, थोड़ा पकने दीजिए अच्छे से। तो इसी तरह लाल करके हमें फ्राई करना है। ये देखिए ये हो गया है, हम निकाल के ले लेते हैं ये। ऐसा हम दोबारा भी डाल रहे हैं, ऐसा ही छोटे छोटे। तो ये हमने आपने जो चिकन टिक्का मसाला आता है वो भी आप इसके साथ मिक्स करके पकौड़ा बना सकते हो, वो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। जब भी मैरिनेशन करते हैं तभी डाल देने का मसाला, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। तो आज हमारे पास टिक्का मसाला नहीं है इसीलिए हमने नहीं डाला, लेकिन जो था मसाला वो हमने डाला है, इससे भी बहुत ही बढ़िया आता है टेस्ट। तो इसी तरह हम दोबारा फ्राई करके लेते हैं ये भी। तो ये हमने फ्राई करके ले लिया है, डाल देते हैं। देखिए कितना क्रंची बना है, आवाज आ रहा है। तो ये हमारा पूरा तैयार हो गया है, तो अब हम प्लेटिंग करके आपसे मिलते हैं। तो हमारी चिकन पकौड़ा रेसिपी एकदम तैयार है, ये आप स्नैक्स के हिसाब से खा सकते हो चाय के साथ। आज का टिप्स हमारा ये है, तो आपको पकौड़ा ज़्यादा क्रंची चाहिए तो बनाने का टाइम सूजी मिक्स कर दीजिए, तो बहुत ही एकदम कुरकुरे और क्रंची होता है। तो सूजी कितना मिक्स करना है हमें, जैसा आप 200 ग्राम चिकन लिया है तो उसमें छोटे कप का आधा कप सूजी मिक्स कर दीजिए और तुरंत बनाइए तो एकदम क्रंची होएगा। ये था हमारा आज का टिप्स, और हमारा ये पकौड़ा रेसिपी अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जाके हमको ज़रूर बताइए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपका जो फ्रेंड्स लोग हो उससे भी आप शेयर कीजिए। तो नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारा चैनल को, साइड में जो बेल बटन है वो भी प्रेस कर दीजिए। जब भी मैं नए नए रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी तो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो हमारा ये रेसिपी देखने के लिए शुक्रिया।